24 सीटें हमारी है, असेंबली की 24 सीटें हमारी है, असेंबली की 24 सीटें हमारी है। पिया जगर मुजी ब्रांड जिंदाबाद, पिया जगर मुजी ब्रांड जिंदाबाद, पिया जगर मुजी ब्रांड जिंदाबाद, पिया जगर मुजी ब्रांड जिंदाबाद। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। पिया जगर मुजी ब्रांड जिंदाबाद, पिया जगर मुजी ब्रांड जिंदाबाद। असेंबली की 24 सीटें हमारी है, असेंबली की 24 सीटें हमारी है। हमारा हक ऐसे रख, हमारा हक ऐसे रख, हमारा हक ऐसे रख। 3 लाख ऐसे रख, 3 लाख ऐसे रख, 3 लाख ऐसे रख। पिया प्रधानमंत्री जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, पियो जेकेजी पीस फ्रेंड। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, मैं कैप्टन युद्धवीर सिंह चेप, प्रेसिडेंट पीओ जेके डीपीस फ्रंट। आज हम 15 अगस्त का जो फ्लैग चढ़ा रहे हैं और हमें इतनी खुशी है, ये एक फ्लैग मामूली चीज़ नहीं है, है हमारे हिंदुस्तान का वो चिन्ह है, वो निशान है जो हमारे खून की रगों रगों में भरा हुआ है। आज हमने 15 अगस्त की खुशी की है। और दूसरा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने, हमारे गवर्नर जी ने आज दफ़ा 370 को ख़त्म किया है, ये एक बहुत बड़ी दीवार थी, एक बहुत बड़ी रुकावट थी जो कई सालों से चलती आ रही थी, जिसके ऊपर लोगों को नुकसान हो रहा था। और हमारे कुछ भाई कह रहे थे कि ये जो है ये नहीं टूटना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारे हिंदुस्तान का भगवान जो उसमें अगर अमेंडमेंटें होती हैं तो इसमें अमेंडमेंट करने की क्यों जरूरत नहीं थी, ये सोचना चाहिए। जो चीज़ नुकसान पहुंचाती है उसको दूर करना ही अच्छा है, और वो दूर हुआ है। आज हम डायरेक्ट जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जुड़े हैं, जो रूल रेगुलेशन वहाँ चलेंगे वही हमारे ऊपर लागू होंगे, और बीच में जो एक दीवार थी वो निकल चुकी है। और इससे सभी पीओजेके का और यहाँ के जो बशिंदे हैं सभी का भला होगा। ये मैं इतने खुले दिल से कह सकता हूँ कि जो हमारी अभी गवर्नमेंट चल रही है और भी जो हमारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं ये दिलचस्पी से करेगी। आज हमने अगर उनको जहाँ तक पहुँचाया है, हम ये कहना चाहते हैं, हम लोगों से भी यही प्रार्थना करेंगे कि अगला आने वाला पीढ़ी जो हमारे मोदी जी आए, क्योंकि इनके में काम करने की क्षमता है, ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और किया है। इस वजह से अभी हमारी नज़र जो है वो अभी पीओ के पर है, जो हमारा इलाका पाकिस्तान ने अपने कब्जे में किया हुआ है, वो हमने लेना है, लेना और लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत माता की जय, भारत माता की। माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राशि की शुरू करेंगे। चल चल तरंगा कब शुभ नामे जागे, कब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत
भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आज मैं यही कहूंगा कि आज हमने खुले दिलो जान से 15 अगस्त मनाया है और झंडा फहराया है। इसी के साथ साथ हमें बहुत खुशी है कि ये दिन आज़ादी का दिन उन लोगों को मैं याद करना चाहता हूं जिन्होंने अपना तन मन धन सब इस देश के लिए निछावर किया है। आज वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन हमारे दिलो दिमाग में वो बैठे हुए हैं और हमें उनको याद भी करना चाहिए जिन्होंने के इतने कठिन के साथ इतनी मुश्किलात के साथ अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आज़ादी दिलाई। दूसरा मैं अभी उसके साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी या उनकी टीम ने हमारे गवर्नर जी ने जो एक बहुत बड़ा काम किया है वो वाकई काम करने के हकदार हैं। हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और यही कहते हैं वो इसी तरह से और भी काम करते रहें और ख़ासकर जम्मू कश्मीर पीछे पछड़ चुका है रह गया है उनकी जो भी कमी है वो पूरी करें। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज वो दीवार इन लोगों ने तोड़ी है जो कि सदियों से चलती आ रही थी जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की जनता को नुकसान होता था और कोई भी कायदा कानून ढंग से नहीं चलता था। लोग बहुत पीछे रह चुके थे, गुरबत गरीबी और बेरोजगारी में जकड़े हुए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो काम हुआ है दीवार टूटी है, डायरेक्टर जो है अपने सेंटर का हस्तक्षेप हुए हैं और इससे हम लोगों को जनता को फ़ायदा होगा और हमारा जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। जो हमारे बच्चे बेरोजगार नौजवान हैं उनको नौकरी के चांसेस हैं, नौकरी मिलेगी। और साथ ही मैं फिर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी टीम का गवर्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एक बहुत बड़ा बहुत एक हिस्टोरिकल जिसके बोलते हैं महत्वपूर्ण काम किया है। हम उनकी कामना करते हैं उनकी उम्र जो है लंबी हो, उम्र दराज हों वो, ताकि आगे भी वो काम करते रहें। जय हिंद जय भारत।